तो हेलो दोस्तों, हम लोग हैं अभी कर्ण मंदिर में। कर्ण मंदिर में वीडियो ले लिया है और आप सभी को अच्छे से बता भी दिया है कि यहाँ पतालेश्वर मंदिर अमरकंटक। तो हम लोगों ने अभी पतालेश्वर मंदिर के भ्रमण के लिए अभी पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट किया है, टिकट बुकिंग किया है। अब हम लोग 8 जने आ गए हैं अंदर में, और मैं आप सभी को यहाँ पर इस मंदिर का अच्छे से नज़ारे से वाकिफ कराऊंगा, और हम लोग एक एक करके अच्छे से घूमेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो पैसा वसूल करके रहेंगे और घूमेंगे अच्छे से। तो आप देखिए, और ये सब भैया लोग अभी फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। और हम लोग यहाँ पर देखिए, ये मंदिर है, ये बहुत ही अच्छा नजारा है। या कैसे नहीं बन ही था गा। तो देखिए, ये है नजारा है ना ले। मैं आप सभी को यहाँ पर भ्रमण करने के लिए इस मंदिर को अभी ऑनलाइन बुक किए हैं। तो हम लोग यहाँ पर अभी जाएंगे ये शिव मंदिर। आपको विश्वास नहीं होगा, भले 25 रुपए 20 रुपए जाए ऑनलाइन टिकट में, लेकिन अंदर घुस के आइए और इन जगह को फील कीजिए, क्योंकि बहुत ही खुशनुमा पल है ये, और अच्छा महसूस हो रहा है। और विशाल भैया का अभी फोटोग्राफी खींच रहे हैं, तो हमें अभी साइड में हटा दिया गया है। तो अरे घूम डरेस, कहाँ सटर फटर जा था, घुमाओ एक अट्ठे मंदिर लग घुस घुस के। हाँ, तो मैं अभी अंदर जाऊंगा और एक एक मंदिर को मैं अभी अभी भ्रमण करूंगा। तो मैं अंदर जा रहा हूँ। हाँ, मैं इधर से जाऊंगा। ये शिव मंदिर में पहले जाऊंगा मैं, और उसके बाद मैं इस मंदिर में जाऊंगा। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर कलाकृति, इतना इतना महान कलाकृति यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत कलाकृति यहाँ पर किए गए हैं, और मैं ये आ गया हूँ अंदर में, और मैं यहाँ पर प्रवेश कर रहा हूँ, और यहाँ पर पूरा पानी टपक रहा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को टूर कराने के लिए अंदर में आया हूँ। और मेरे ख्याल से अंदर में शिव जी का लिंक है, ये देखिए। तो ये है शिव मंदिर का अंदर का नजारा, जहां पर अभी बरसात हो रहा है। और ये है, ये छत का अंदरूनी जगह है, और यहाँ से देखिए पानी वानी रिस रहा है, ये देखिए यहाँ से टपक रहा है। और मैं ये शिव मंदिर को आप सभी को दिखा दिया हूँ कि ये कैसा है। तो मैं ये बाहर आया, शिव मंदिर के बाहर में आया,
और ये देखिए, इसका मैं फोटो इस बाहर से जाकर ले लेता हूँ ताकि इसका। तो अभी हमने ये शिव मंदिर को हम लोगों ने अभी भ्रमण कर लिया है। अब हम लोग जाएंगे यहाँ इस मंदिर में जाएंगे, ये इस मंदिर में जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि ये कौन सा मंदिर है। और मैं आपको दिखाऊंगा कुछ यहाँ के नज़ारे ताकि आप जब भी आए तो आपको डाउट मत लगे कि ये कौन सा जगह है, ताकि आपको भी क्लियरिफाई हो जाए। मेरा माइक फंस रहा था। तो यहाँ पर देखिए, ये है विष्णु मंदिर है, ये विष्णु मंदिर है। तो मैं इसका एक चक्कर लगा लेता हूँ क्योंकि किसी मंदिर का एक चक्कर लगाने से या अपने मर्जी के हिसाब से जिसमें आपको अच्छा लगे, तो करने से अच्छा लगता है ऐसा करने से, तो आप जरूर कीजिए और नज़ारों का लुत्फ़ तो उठाइए। समय का ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। समय आधा घंटे एक घंटा का हुई हो तो जल्दी से जल्दी घूमने का प्रयास कीजिए आप। तो मैं बैकग्राउंड कैमरा ऑन कर लेता हूँ और देखेंगे आगे। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। तो मेरे आज राजी अमरकंटक के इस टूर को आप सफल बनाइए और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आप सभी के लिए कुछ अच्छा अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। तो चलिए, मैं बैक कैमरा ऑन करके मैं दिखाता हूँ कि अंदर में हमें क्या क्या देखने को और मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं ये विष्णु मंदिर के अंदर जा रहा हूँ और मैं ये विष्णु मंदिर के अंदर जा रहा हूँ और देखिए आप इसका नज़ारा देखिए। यहाँ पर भी कोई किसी भी प्रकार का छड़ का और सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है इसको बनाने के लिए। शायद मेरे ख्याल से उस समय इसको बनाने के लिए चूना पत्थर ऐसा वगैरह वगैरह का यूज़ किया जा रहा होगा। और मैं देखता हूँ कि अंदर में हमें कौन सा प्रभु जी का दर्शन करने को मिलता है। ये देखिए, ये है विष्णु जी जो हमारे विष्णु टेम्पल में विराजमान है और बहुत ही यहाँ पर आनंद महसूस कर रहा हूँ मैं। मेरे साथी मुझसे अलग हो गए हैं क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सभी को दिखाने के लिए। तो मैंने आप सभी को दिखा दिया, ये देखिए पूरा, ये है हमारा विष्णु टेम्पल, ये देखिए। तो मैं आप सभी को ये विष्णु टेम्पल भी दिखा दिया। मैं यहाँ से एग्जिट होता हूँ। तो मैं विष्णु टेम्पल का वीडियो ले लिया है और आप सभी को अच्छे से बता भी दिया है कि यहाँ पर कौन कौन सा प्रभु जी देवता का वास है, भगवान जी का वास है। अब मैं अभी हम लोगों के दोस्तों के पास जाऊंगा ताकि मैं एक सभी के साथ अच्छा महसूस करूं। तो मैं उसी तरफ अभी जा रहा हूं अभी। तो आप देखिए, यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही फील कराता है। तो आई होप कि आप सभी यहाँ पर आइए और नज़ारे का और मौसम का लुत्फ़ उठाइए। हाँ, रुक जा, क्या क्या लगत है यार, बस। तो ये मैं आ गया हूँ एक दूसरे अलौकिक दुनिया टाइप
जगह में, जो ये देखिए बहुत ही अच्छे गार्डन के बीच में है। और ये है सोनी, और ये है विशाल भैया और पांडे जी, जो अभी थक गए हैं, अभी जा रहे हैं सुसु करने, उनका टंकी फूल गया है, भर गया है। तो ये है हमारा विजय कुर्रे जी, ये तो ये देखिए बहुत ही तबाही नजारा है। और छोटू ए आने दे, मेरे खिंचवाबो ने यार कैमरा मा। तो हम लोग यहाँ पर अभी जाएंगे ऊपर में और तबाही फोटो खींचेंगे। ये फोटो अभी चल रहा है दोनों जनों का फोटोग्राफी। अरे सब आ जाते हैं। हाँ आत हो, हाँ थोड़ा चढ़ के आते हैं कि नहीं। बस तो मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी जाऊंगा और देखूंगा क्या है कैसा है। ये है, इसको बोलते हैं, देखिए ये है कर्ण मंदिर। तो कर्ण मंदिर है तो आप जानते ही होंगे कि कर्ण कौन है। और मैं बता दूंगा वीडियो में कहीं पास कि कर्ण मंदिर क्या है उसके बारे में। तो मैं एक यहाँ पर पैनोरामा शॉट लूंगा ताकि मैं यहाँ पर एक अच्छा सा तीनों फोटो को एक साथ मर्ज कर सकूं। इसके लिए मैं वहाँ नीचे जाऊंगा और फोटो खींचूंगा। तो हेलो दोस्तों, हम लोग हैं अभी कर्ण मंदिर में। तो यहाँ पर है एक फर्स्ट टेम्पल है यहाँ पर, और ये है सेकंड टेम्पल है जहाँ पर अभी लॉक लगा हुआ है। पता नहीं भगवान जाने क्यों लॉक लगा कर रखे हैं अंदर में, जो भगवान है वो भाग जाएगा क्या। और यहाँ पर मैं थर्ड को आपको दिखा रहा हूँ, थर्ड मंदिर को। और हमें अभी और बहुत सारे मंदिर को घूमना है इसलिए हमारे पास समय नहीं है। और ऊपर में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कबूतर बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। बारिश का मौसम है, तबाही अच्छा लग रहा है, मुझे भी आनंद आ रहा है। और मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे कैसा अच्छा आनंद महसूस हो रहा है। तो मैं वहाँ नीचे में जाऊँगा और एक पैनोरामा शॉट लूँगा इसका, और उसके बाद हम चलेंगे, हमारे दोस्त उधर जा रहे हैं। तो ये है हमारा कर्ण मंदिर है, जो तीन मंदिरों से मिल के बना है और बहुत ही खुशनुमा है ये मंदिर। आप आइए और इसका आनंद का एहसास का फील कीजिए उस चीज़ को, तभी आप समझ सकते हैं किसी चीज़ को। लेकिन मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है, यहाँ पर, तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप आइए अमरकंटक और इस नज़ारे का, इस मौसम का आप लुत्फ़ तो उठाइए। और हम लोग जाएंगे अभी उस साइड जाएंगे, और उस साइड का भी मंदिर कुछ बचा हुआ है, मैं फिसल ना जाऊँ इसलिए मैं अभी धीरे धीरे चल रहा हूँ। और आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पर अमरकंटक में कौन कौन सा मंदिर है जो देखने का लायक है, लोकेशन कैसा है, ताकि आप अपने फैमिली के साथ आ सकें, घूम सकें और उन चीज़ों को फील कर सकें जो वास्तव में यहाँ पर है। तो मैं इधर अभी पहुंच गया हूं, तो अभी मैं बैक कैमरा ऑन कर लेता हूं। ये दोनों मंदिर ही बचा है, तो मैं इसको जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ।
क्या है कैसा है, ये तो हमने देख लिया था। ये शिव मंदिर है, विष्णु मंदिर है, वो कर्ण मंदिर है, और ये है श्री ओंकार स्थान है, ये श्री बद्री नारायण भगवान जी का। तो मैं यहाँ पर अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास अभी टाइम का कमी है, क्योंकि हमें आगे भी जाना है। तो मैं आपको इधर जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। ये है छोटा सा मंदिर जिसको मुझे समझ नहीं आया कौन सा देवी देवता का है मंदिर ये, तो ये पूरा खाली है। तो ये है देखिए, ये और एक मंदिर है, यहाँ पर मंदिर ही मंदिर है, बहुत ही तबाही तबाही सा, पूरा पत्थर ही पत्थर का बना है, बड़ा बड़ा पत्थर का, और आप देख सकते हैं ये इसको। तो अब मैंने इधर इधर आपको नहीं दिखाया था, ये है हमारा पूरा गार्डन ये है, और वहां पर हमारा गाड़ी खड़ा है, वहां पर मैं जल्दी जाऊंगा, मेरे भाई का कॉल आ रहा है, मैं रिसीव नहीं करूंगा। ये है पाटलेश्वर मंदिर, ये देखिए, और गाड़ी वाड़ी को अभी मोड़ रहे हैं, तो मैं अभी जल्दी जल्दी यहाँ से जाऊंगा, मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि गाड़ी मुझे छोड़कर आगे जा सकता है। तो आप बस इतना ही देखिए, क्योंकि आप जब यहाँ पर आएंगे तो 2-3-4 दिन ठहरने के लिए आएंगे, तभी आप अच्छे से और इसको डिटेल में घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं दौड़ते दौड़ते अभी गाड़ी के पास जा रहा हूँ। और हम लोग वहां से उधर जाएंगे मंदिर देखने। पूरा थकवाने वाला काम कर दिए ये लोग जल्दी जल्दी। तो अभी सब पे अभी डीजे वाला गाना चल रहा है एकदम धकाधक।